आजम स्वाति के साथ हुए जुल्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उन पर बंद रहे। कोई कैसे उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। आजम स्वाति की दोबारा गिरफ्तारी पर इमरान खान फट पड़े। कहा, हम तेजी से फस्ताई रियासत की जानिब बढ़ रहे हैं। इस रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम स्वाति की दोबारा गिरफ्तारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इकदाम को रियासती फासिज्म की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ट्वीट में कहा, मुल्क मुकम्मल फस्ताई रियासत की जानिब बढ़ रहा है। आजम स्वाति और उनका खानदान आला अदलिया से उम्मीदों के बावजूद इंसाफ से महरूम रहा। इमरान खान का कहना था, मुझे हैरत है कि हम तेजी से जमहूरी नहीं बल्कि फस्ताई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था, आजम स्वाति के साथ हुई नाइंसाफी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल किया, कोई कैसे आखिर आजम स्वाति और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। इमरान खान ने कहा, इस रियासती फासिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।